तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे है मेरे पास सैमसंग की तरफ से आने वाली सैमसंग M12। तो बात करें इसकी वेरिएंट की, तो बेसिकली से आपको ये मिल जाएगी मार्केट में दो वेरिएंट में। फर्स्ट दो तो 4GB 64GB, एंड सेकेंड जो इसका वेरिएंट है हायर वेरिएंट, वो आपको 6GB 128GB में। बेसिकली से मेरे पास यहाँ पे है 4GB 64GB। अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो ये बेस वेरियंट की प्राइस को, तो मैंने उसे अप्रॉक्स से 9,500 में बाई किया था ऑफलाइन मार्केट में। वैसे तो ऑफ़र भी चल रही थी अभी फ्लिपकार्ट में, ये आपको जो ऑफ़र चल रही थी दिवाली की, उसमें आपको ये 9,500 में मिल जाती। लेकिन बट दोस्तों, ऑफ़र के बाद इसकी प्राइस बढ़ा के अप्रॉक्स से 11,000 कर दी गया। बट सेम अगर आप जाओ अमेज़ॉन पे, तो वहाँ पे अभी दिवाली की ऑफ़र चल रही है, तो यहाँ पे आपको इजीली से ये फ़ोन सेम प्राइस 9,500 पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर बात करूँ सेकेंड हाइयर वेरियंट जो इसमें आता है, उसकी प्राइस अप्रॉक्स से आपको 11,500 रुपया ऑनलाइन मार्केट या ऑफलाइन मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट, और करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं क्या कुछ कंटेंट मिलती है मुझे बॉक्स के अंदर। तो ये रहा दोस्तों हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M12। तो और नीचे यहाँ पे किया गया सैमसंग की ब्रांडिंग, और बात करें पीछे की, तो यहाँ पे किया गया कुछ हाईलाइट्स, जैसे कि इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, इन्फिनिटी वी डिस्प्ले आपको देखने को मिला, इसी तरह का बहुत सा हाईलाइट किया गया। तो चलिए करते हैं फटाक से बॉक्स को ओपन और देखते हैं हमारे बॉक्स के कंटेंट को। तो दोस्तों, बॉक्स ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारा प्यारा दुलारा M12 देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसे करते हैं साइड और देखते हैं कि हमें और क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस बॉक्स के अंदर। साथ ही हमें दोस्तों मिल रही है देखने की सैमसंग की तरफ से 15W की क्विक चार्जिंग, एंड नेक्स्ट यहाँ पे टाइप सी, जो बहुत अच्छी बात है कि हमें इस फ़ोन में टाइप सी देखने को मिल रही है, एंड साथ ही क्विक स्टार्ट गाइड जो कि हमें तो पढ़ना है नहीं, एंड एक सिम जैक्टर टूल। तो चलिए फिलहाल रखते हैं इस सब को साइड और आते हैं हमारे मेन कॉन्टेंट पे। तो दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है हमारा सैमसंग गैलेक्सी M12। तो सबसे पहले करते हैं इस स्टिकर को साइड, एंड नेक्स्ट अब बात करूँ इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन वगैरह की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिल रही है। एंड बात करूँ नेक्स्ट इसकी सामने की, तो यहाँ पे आपको एक पंच होल कैमरा देखने को मिल रही है। एंड नेक्स्ट बात करूँ इसकी कुछ पोर्ट्स की, तो यहाँ पे आपको नीचे में देखने को मिल रहे एक हमारा हेडफोन जैक, और साथ ही टाइप USB-C पोर्ट, एंड यहाँ पे स्पीकर ग्रिल। यहाँ पे दोस्तों आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब दो सिम और एक SD कार्ड, तो ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों इस फ़ोन की। एंड बात करूँ राइट साइड की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है पावर ऑफ ऑन बटन, एंड साथ ही ऊपर में आपको देखने को मिल रही है वॉल्यूम रॉकर बटन। यहाँ पे आपको पावर बटन में ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है, एंड ऊपर के साइड में आपको यहाँ पे एक नॉइज़ कैंसिलेशन मिल रहा है। तो चलिए करते हैं फटाक से फ़ोन को ऑन, तब जब तक हो रही है फ़ोन ऑन, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना, एंड साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पे हो चुका है हमारा फ़ोन ऑन। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला है 6.5 इंचेज की इन्फिनिटी वी डिस्प्ले विथ HD सपोर्ट, एंड जो सबसे एक प्लस पॉइंट है इस फ़ोन की, इसमें आपको 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात कर ले इस फ़ोन की कैमरे की, तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जो कि आपको 48 मेगापिक्सल का रियर प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल का डेट प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो। यहाँ पे दोस्तों, अगर बात करूँ इस फ़ोन की कैमरे की, तो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ इस फ़ोन की शॉर्ट्स दिखा रही हूँ, तो शॉर्ट्स कैसा लगा, इमेज कैसा लगा, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड फ्रंट कैमरा की बात करें, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर के साथ कैमरा देखने को मिल रही है। अब आगे अगर बात करें इस फ़ोन की SoC की, तो यहाँ पे आपको Exynos का 850 ऑक्टा कोर 8nm पे बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिले है, जो कि गेमिंग के लिए आप मीडियम बोल सकते हो। अगर हैवी टास्क, अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हो, तो फिर इस फ़ोन पे पॉसिबल है। अगर तो डे टू डे लाइफ के लिए आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो, तो आप बिना कुछ सोचे इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। तो आप यहाँ पे अगर बात करूँ इस फ़ोन की OS और UI की, तो यहाँ पे आपको One UI 3.0 Android 11 पे बेस्ट देखने को मिल रही है। अगर बात करें इस फ़ोन की सिक्योरिटी की, तो दोस्तों सिक्योरिटी के लिए इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दोस्तों इसकी नॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम है। यहाँ पे बात करो इस फ़ोन की बैटरी, तो यहाँ पे आपको बैटरी नहीं 6000 mAh की बैटरा देखने को मिला, साथ ही 15W का क्विक चार्जर। यहाँ पे दोस्तों, अगर इस फ़ोन की कनेक्टिविटी वगैरह की बात करो, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ
5.0 का सपोर्ट देखने को मिल रही है। ऑल ओवर बात कर लो इस फ़ोन की दोस्तों, अगर आप डे टू डे लाइफ के लिए इस फ़ोन को यूज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप बेखौफ ले सकते हैं। बट दोस्तों अगर आप गेमिंग करते हो, हैवी गेमिंग करते हो, तो फिर आप इस फ़ोन के तरफ मत जाना। तो ऑल ओवर बात करो इसकी एसओसी की, तो वो आपको डे टू डे लाइफ के लिए, थोड़ी मोटी गेम के लिए बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज दोस्तों आपके इस सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों तब तक के लिए जहन, फिर इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।